हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, आज हम लोग आ चुके हैं NSE की वेबसाइट पे और आज हम लोग देखेंगे निफ्टी कल क्या परफॉर्मेंस देने वाली है और कैसा रहेगा। तो देखिए, हमारे पास ये अभी ऑप्शन चेन को मैंने ओपन कर लिया है और आज हमको बताऊंगा कि कैसे ऑप्शन चेन आपको देखना है और आपको कैसे ट्रेड लेना है, कल का डायरेक्शन कैसा होगा मोमेंट। देखिए, अभी हम लोग निफ्टी पे आ चुके हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए दोस्तों और कमेंट कर जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा दोस्तों, और जरूर बताइएगा जिससे मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में। तो देखिए, बात कर लेते हैं हम लोग निफ्टी का। निफ्टी देख सकते हैं यहाँ पर प्राइस भी देखा 20 का है, 20 जुलाई का है 2023 का। तो हम लोग देखिए बात करते हैं कल का मार्केट कैसा रहेगा। अब देखिए वहाँ पर ऑर्डर, देखिए ये है पुट साइड का, ये जो देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है, ये कॉल साइड का हो गया और इस साइड हो गया पुट साइड का हो गया। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पुट लिखा हुआ है, यहाँ पे कॉल लिखा हुआ है। तो हम लोग पहले चल देखते हैं कॉल साइड में क्या है मार्केट का ओवरव्यू। देखिए 15,30,000 ऑर्डर जो है, मतलब कि कॉल साइड में अभी है और 2,90,57,000 के आसपास ये वॉल्यूम है। ठीक है, वॉल्यूम भी आपको देखना होगा और ये क्या होगा कॉल भी देखना होगा आपको, ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, वॉल्यूम का भी आंसर देखते। अब यहाँ देखिए पुट साइड, देखिए 19,24,561 है। ठीक है, और देखिए इसमें 2,85,19,600 के आसपास है इसमें। तो अब देखिए यहाँ पे बात करें, एक तरह से देखा जाए तो ओपन इंटरेस्ट जो है, ओपन ऑर्डर ज़्यादातर कहाँ पे है, पुट साइड में ज़्यादा है। ये देखिए ये जो है ना, ये पुट साइड में हो गया, इधर पुट साइड ज़्यादा हो गया। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर पुट साइड है, ये देखिए यहाँ पुट साइड लिखा हुआ। यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम थोड़ा सा पुट साइड में कम है और कॉल साइड में ज़्यादा है। तो इसके भी यहाँ पर आपको मैं बताऊँगा डायरेक्शन किधर जा सकते। देखिए 5,000-10,000 के आसपास है वॉल्यूम, तो इस पर हम लोग कोई कंपेरिजन नहीं कर सकते। देखिए 2,90,00,000 के आसपास इधर है और वही अगर इस साइड हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 2,85,19,000 के आसपास है। यहाँ पे देखिए और भी कुछ, यहाँ पे 57,000, तो यानी कि 5-6 लाख के आसपास है। 5-6 लाख वो कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये कॉल साइड में अभी, और यहाँ देखिए ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ देखिए ओपन इंटरेस्ट अभी क्या है 28, यहाँ पर देखिए 19,000, 5 लाख के आसपास इधर भी हेरफेर है। तो कहीं ना कहीं मार्केट अभी जो है ना कॉल साइड में ही, अभी के हिसाब से कॉल साइड में फेवर है मार्केट। और अभी जैसे मार्केट ओपन होगा, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो फिर मार्केट अभी ये करेक्शन करेगा और ऊपर की तरफ जाएगा। अब देखिए हम लोग इसका चार्ट पे देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए ट्रेडिंग भी ओपन कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ FIDI का डेटा देख लेते हैं हम लोग दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए FIDI का डेटा देख लेते हैं, यहाँ पे NSE के वेबसाइट पे देख लेते हैं FIDI ने क्या किया कल की डेट में। तो देखिए FIDI के अनुसार क्या क्या किया। देखिए 14 तारीख को FIDI ने क्या किया, कैश में कितना बाई किया था, 7,333 करोड़ का बाई किया था और इधर सेल किया था 8 करोड़ का। ठीक है, और इधर देखिए FI जो कि फिर यहाँ पर FI जो है 12,400 करोड़ का बाई किया है और सेल किया देखिए 9,800 करोड़ का। तो कहीं ना कहीं बाइंग साइड का थोड़ा सा ज़्यादा है और तो इसलिए मैं मार्केट अभी मूव आया है। अगर ये गैप डाउन आता है तो एक लेवल तोड़ेगा। और अब एक चार्ट हम लोग देख लेते हैं ट्रेडिंग व्यू में ओपन करके। देखिए यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, तो ट्रेडिंग व्यू में भी आ चुके हैं निफ्टी का। अब देख लेते हैं निफ्टी का चार्ट के क्या कह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों निफ्टी का भी हम लोग आ चुके हैं निफ्टी पर। यहाँ पर निफ्टी 50 के लिए क्लिक कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए एक ये लोग भी अपना व्यू दे रखा है, एक लेवल ब्रेक किया है। अब यहाँ से क्या होगा, एक करेक्शन ज़रूर आएगा और अगर आपका कहीं ऑर्डर होल्ड है तो अपनी अपना ऑर्डर को निकाल लीजिएगा, फिर अपना करेक्शन होता है तो उस टाइम अपना बाय कर लीजिएगा। चलिए अभी मेरा नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, तो ठीक है मैं अभी बता दूंगा चार्ट पे। एक मिनट लाइन पर रहिए, मैं बता रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं क्या है कि मार्केट जो है अभी एक थोड़ा सा गैप अप ओपन होगा तो समझ लीजिए काफ़ी है। ज़्यादा ऑर्डर भी पड़ा नहीं हुआ तो कभी मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा, उसके बाद एक करेक्शन करके ऊपर जा सकता है। तो आप लोग वेट करिएगा लेवल को और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।